25 जनवरी को हमने नए डीएम साहब आए तो उनको विज्ञापन दिए, जो हम लोग बैठे हैं हाशिम अंसारी से लेके इरफान कुरैशी तक, तो इसका प्रस्ताव जो है बनवा दिए थे। वो पीडब्ल्यूडी में चला गया था, बोर्ड का मीटिंग हुआ, उस बोर्ड के मीटिंग में प्रस्ताव देकर हमने नगरपालिका में लेकर आया 60 लाख रुपया। लेकिन जाते जाते चेयरमैन ईओ इतना निकम्मा काम कर गए कि वो पैसा जो है पीडब्ल्यूडी में रह गया, और पीडब्ल्यूडी का काम बेमाई बाप का होता है, जब मन चाहे तब करे, जब मन चाहे तब न करे। तो मैंने इसके खिलाफ जो है डीएम साहब को भी अवगत कराया, लेकिन आज लमसम 4 महीना हो गया, कोई इस पे कार्रवाई नहीं हुआ। जो कि अभी आप बैठे हैं, ये नाला देख रहे हैं, रोड देख रहे हैं, इसी के संबंध में पैसा 8 महीना पहले जो है पैसा 15-20 से हमने ले लिया था, और चेयरमैन ने जो है नगर पालिका के पैसा उठाकर जो है पीडब्ल्यूडी को दे दिया। अब अधिकार जो है पीडब्ल्यूडी का जो है पैसा नगर पालिका, हमारा पैसा घर का, दूसरे को हम क्यों देंगे? अब वो जब चाहेगा तब ना वो करेगा, तो यही चेयरमैन आईओ ने किया। नमस्कार, मैं हूँ संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे यूपी में नगर निकाय चुनाव को लेकर के शंखनाद हो चुका है। प्रथम चरण का मतदान जो है 4 मई को होगा और द्वितीय चरण का मतदान 11 मई को होगा। तो अभी हम लोग आए हुए हैं बलिया जिला। बलिया जिला में बलिया नगर परिषद क्षेत्र पड़ता है और वार्ड नंबर 3 में आए हुए हैं। यहाँ के जो तत्कालीन वार्ड पार्षद हैं, जो कह सकते हैं कि सभासद हैं, शमशाद कुरैशी जी, तो इनसे जानते हैं कि जनता ने जब आपको 5 वर्षों के लिए मौका दिया था, इन 5 वर्षों में आपके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ, इसके अलावा आगे की क्या रणनीति है, तमाम मुद्दों पर मैं बात करूंगा। तो पहले तो शमशाद जी, आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं, और ये बताइए कि 5 वर्षों में आपने क्या कुछ डेवलपमेंट किया, आपको जनता वोट क्यों करे? जनता, हम लोग 17 में चुनाव लड़े और चुनाव के बाद हम लोगों के साथ हमारे चेयरमैन नगर पालिका के, तो हम लोग बहुत विश्वास किए अपने चेयरमैन पर कि हमारे चेयरमैन जो है विकास पुरुष आएंगे, विकास के कड़ी में हम लोग जुटेंगे। तो नाम में भी लिखते हैं समाज से भी, वो नाम में पहले भी लिखते थे और आज भी लिख रहे हैं, लेकिन समाज का काम कोई भी नहीं किए हैं। अच्छा। और रहा सवाल कि ये हमने विकास का कड़ी में जब हम लोग जोड़े थे, तो ये हमारे यहाँ रेलवे का गड्ढा था, ये जहाँ हम लोग बैठे हैं इस गड्ढे में पूरे हमारे बस्ती का पानी जो है इस गड्ढे में आता था, तो कोई कठिनाई नहीं थी। उस वक्त सारे जो है चेयरमैन, सांसद, विधायक, मेंबर, सभासद, सारे लोग इस रेलवे के गड्ढे में पानी गिराकर अपना मुफ्ती पा गए। जब हम जो है 17 में आए तो रेलवे ने साल अतिक्रमण कर दिया, वासी पीट अपना बनाना शुरू कर दिया, अब हमारे तरफ का पानी बन जाना बंद हो गया। अब चूंकि बहुत अपने संघर्ष से, मोटर से, जनरेटर से, फलान से, ढेकान से, हमने बहुत संघर्ष करके पानी अपना गांव के निकालते हैं, और आज भी वही दशा है। माननीय सांसद जी भरत सिंह थे, उनसे मैंने आग्रह किया, मैं स्वयं गया उनके यहाँ, माननीय सांसद जी ने मेरा आग्रह स्वीकार किए। स्वीकार करने के बाद आए अपने दौड़ में, डीएम साहब को लेकर आए, तमाम आला अधिकारी आए। आने के बाद उन्होंने देखा कि भाई स्थिति तो बहुत ख़राब है, तो मैंने उनसे कहा था कि अमृतपाली से लेकर, मैं सपा की सरकार में भी कह रहा था, जितने मंत्री थे, विधायक थे, सांसद थे, मैं वो अपने पहले भी लोगों से मैंने कहता था कि रेलवे की ज़मीन जब तक खाली है, माँ बाप नहीं है, तब तक भैया इस रेलवे में एक 12 रेलवे क्रॉसिंग से लेकर अमृतपाली तक नाला और रोड का निर्माण कर दिया जाए, कि रेलवे का कोई माई बाप नहीं है, जब हो जाएगा तो हम लोगों का जीवन जो है बन जाएगा, नहीं तो रेलवे जब पकड़ लेगा तो हम लोगों का घर का, गांव का जीना दुश्वार हो जाएगा, हम लोगों को बच्चों को रहना दुश्वार हो। लेकिन तमाम राजनीति दलों ने ये अपने अहंकार में ये न करने किए और न करने दिए, और उसी का आज नतीजा है कि हमारे
परिवार के लोग, हमारी माँ बहनें बेटियाँ भुगत रही हैं, साथ साथ मैं भी भुगत रहा हूँ। और बहुत प्रयास पर सांसद जी ने धूम बाबा से लेके और ये जो है आप पुलिया पर बैठे हैं, वो पुलिया के प्रस्ताव दिए, रेलवे अंडर पासिंग, रेलवे का जो काम हो गया था वो अंडर पासिंग का जो है काम रेलवे अपने सीमा तक कर लिया था, लेकिन हमने बहुत प्रयास किया, रेलवे के अधिकारी भी थे, सांसद जी थे, उन्होंने प्रयास करके ये रेलवे के जो है नाला जोड़वाए कि भाई इस पानी का निकास, इस बस्ती का निकास किसी तरह हो, नहीं तो नगर पालिका के पास कोई फंड बजट नहीं है कि रेलवे का जो है निकास बनवा दे। और उसके बाद उन्होंने ये जो है पास कराया। तो ये कह सकते हैं कि आपके कार्यकाल में सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक काम हुआ। हाँ, महत्वपूर्ण काम हुआ जी। और अभी जो है जो हमारे ये मेन नाला छूट गया है हरजन बस्ती से लेके हमारे सीमे तक, अभी अगले में हमारे मस्त सांसद साहब ने, उनका भी योगदान रहा कि 96 लाख रुपया स्वीकृत उन्होंने किया, प्रस्ताव हमने बनवा कर भेजा था नगर पालिका से, तो 96 लाख स्वीकृत किए हैं। अब उसका ठीका का काम, नगर नाला का काम, अब भाई नगर पालिका ईओ का काम है कि वो भाई जाए, किस अधिकारी से मिलना है, कहाँ मिलना है, हैं तो पता नहीं जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। अब तो हम लोग का समय समाप्त हो गया। वैसे आगे आप दोबारा से जा रहे हैं, इस बार क्या कुछ सोचे हैं? क्या कि पिछले जो कार्यकाल रहा आपने ऐतिहासिक काम किया, जो कह सकते हैं कि कई वर्षों से ये समस्या बनी हुई थी, आगे के बारे में क्या सोचे हैं? जनता के बीच जा रहे हैं आप? भाई जनता के बीच हम तो जा रहे हैं, जाएंगे, जनता को बीच में रहना है। और जो हमारे कार्य रुके हैं उस कार्य के लिए मैं भरपूर मेहनत करूंगा। रोड का काम है, नाली का काम है, गली का काम है, निर्माण तमाम निर्माण के काम हैं। मैं जो भी अगले चेयरमैन आएंगे उनसे मैं मिलूंगा, आग्रह करूंगा, उनको लेकर आऊंगा, हैं मैं उनसे अपना भाई काम कराने के लिए आग्रह करूंगा अपने बस्ती के लिए। युवाओं के लिए आपने क्या कुछ सोच रखा है? युवाओं के लिए क्या, युवाओं जो है इस वक्त अपना पढ़े लिखे, अगर सरकार का जो योजना है उस योजना में अपना हिस्सेदारी ले, भागदारी ले, अगर जो हमसे मदद करने लायक है तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो आपने सुना कि जिस तरह से वार्ड 3 के जो पार्षद हैं, जो सभासद कहते हैं, इनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट का काम किया गया है, आप देख सकते हैं कि कई वर्षों से यहाँ का जो समस्या था रेलवे ट्रैक होने के वजह से पानी की समस्या थी, इस समस्या का समाधान हुआ। और आगे भी सोचे हैं कि सड़क नाली का तो काम हुआ है, कई जगह काम पेंडिंग भी है, वहाँ भी काम होगा। इसके साथ साथ हमारी अगली प्राथमिकता होगी सड़क, सड़क को बेहतर से बेहतर बनाने का मैं काम करूँगा और एक आदर्श स्मार्ट वार्ड के रूप में डेवलपमेंट करने का मैं काम करूँगा। तो चलते हैं दूसरे वार्ड में और वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट का काम किया गया है और आगे की क्या रणनीति है। तमाम बिंदुओं पे उनसे बातचीत होगी। आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी एक छूट गया है कि जो 25 जनवरी को हमने नए DM साहब आए तो उनको विज्ञापन दिए, जो हम लोग बैठे हैं हाशिम अंसारी से लेके इरफान कुरैशी तक, तो इसका प्रस्ताव जो है बनवा दिए थे, वो PWD में चला गया था, बोर्ड का मीटिंग हुआ, उस बोर्ड के मीटिंग में प्रस्ताव देकर हमने नगर पालिका में लेकर आया 60 लाख रुपया, लेकिन जाते जाते चेयरमैन ईओ इतना निकम्मा काम कर गए कि वो पैसा जो है PWD में रह गया। और PWD का काम बेमाई बाप का होता है, जब मन चाहे तब करे, जब मन चाहे तब न करे। तो मैंने इसके खिलाफ जो है DM साहब को भी अवगत कराया, लेकिन आज लमसम 4 महीना हो गया, कोई इस पे कार्रवाई नहीं हुआ। जो कि अभी आप बैठे हैं, ये नाला देख रहे हैं, रोड देख रहे हैं, इसी के संबंध में पैसा 8 महीना पहले जो है पैसा 15-20 से हमने ले लिया था, और चेयरमैन ने जो है नगर पालिका के पैसा उठाकर जो है PWD को दे दिया। अब अधिकार जो है PWD का जो है पैसा, नगर हमारा पैसा घर का
दूसरे को हम क्यों देंगे? अब वो जब चाहेगा तब ना वो करेगा, तो यही चेयरमैन आईओ ने किया। हमने ईओ से भी बात किया, चेयरमैन से भी बात किया, चिट्ठी भी लिखे, तमाम 13 सभासदों के लेके प्रस्ताव भी हम लोग बनवाए कि भाई हमारा वार्ड का पैसा जो है हमारे नगर पालिका में आया, नगर पालिका से काम कराया जाए। तो ये लोग जो है हाथ खड़े कर दिए कि भाई अब पैसा तो नहीं मिल रहा है, और तब तक हम लोगों का जो है सेवा समाप्त हो गया। तो अब भाई आचार संहिता लागू, अब आचार संहिता लग गया। अब इसके लिए हमारा पैसा तो एकदम ऑलरेडी पड़ा है, 96 लाख रुपया वो पड़ा है, 60 लाख रुपया ये पड़ा है, लेकिन करने लायक जो है ईओ नहीं मिला। भाई प्रशासनिक ईओ नगर पालिका के मालिक होता है, वो राजनीतिक व्यक्ति पहलू से वो जुटा हुआ है, और वो अब देख रहे हैं कि भाई वो राजनीतिक में कौन सा एरिया किस लायक है, उधर वो अपना पहल करा रहे हैं, मतलब वो अपने हिसाब से काम। हाँ भाई, प्रशासनिक अधिकारी जो है राजनीतिक पहल नहीं कर सकता है, वो पब्लिकल पहल कर सकता है, किसी एरिया का हो, किसी वार्ड का हो, वो जनहित का जो है काम है। लेकिन इस पर कोई उन लोगों का ध्यान नहीं है। अभी आज भी अगर वो चाहें तो हमारा काम निर्माण का होने शुरू हो जाए। और जो है अगर ये काम अगर ये लोग नहीं शुरू करा रहे हैं तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं शासन प्रशासन के सारे लोगों को अवगत कराना चाहते हैं कि अगर काम शुरू नहीं होगा निर्माण का, तो मैं वोट का बहिष्कार भी करने वाला हूं, कि मैं अपने सारे गांव के जनता जनार्दन, बेटी बहन माँ बहनों से सबसे मैं अपील करूंगा कि कोई वोट देने न जाए और वोट का बहिष्कार किया जाए, या नगर निकाय चुनाव का या लोकसभा का। नगर निकाय का भी किया जाएगा। अच्छा। जो वर्तमान में पहले है पहले उसको देखा जाएगा, फिर जो लोकसभा का आएगा, हमारा कार्य नहीं होगा तो फिर लोकसभा का भी बहिष्कार किया जाएगा वोट का। अच्छा। केवल हम लोग वोट देने के अधिकार में थोड़े हैं, मरने के अधिकार में हम लोग हैं कि हम लोग मरे और वोट दें। न चलने का सड़क है, न पानी निकलने का नाला है, ये अब तार देख लीजिए, ये नीचे पड़ा हुआ है, इसी तरह तमाम जगह चल देख लीजिए, यहाँ से लेकर हरजन बस्ती चल कर देख लिए, चलने का रोड नहीं है। ये रेलवे में हम लोग चलते हैं, रेलवे जब आता है पुलिस तो 4 लाठी मार कर दूसरे को बंद कर देता है, जाके हम लोग सिफारिश कर 200-400 देकर पुलिस से छोड़ा कर लेकर आते हैं, भाई ये रेलवे है इसमें कैसे आप चलेंगे, ये नगर पालिका का रोड है, रेलवे ही का है, लेकिन नगर पालिका छोड़ नगर पालिका को दे दिया, नगर पालिका कुछ नहीं कर रही है, उसके पास जीसी भी नहीं है सही करने के लिए कि जीसी भी मंगा कर इसको सही करा दिया जाए। ऐसे ऐसे अधिकारी बैठे हैं नगर पालिका में। भाई ये अब हमारे बस्ती के लोग बैठे हैं, ये लोग तो नहीं समझ पाएंगे, आगे जो है वो समझेगा कि भाई क्या कठिनाइयाँ हैं, क्या समस्या है। ठेला नहीं है, पूरे वार्ड में आप घूम लीजिए, हम लोग अपने पैसे से ठेला लगाकर, ये सुपर ये खड़ा है, इधर आओ, ये सुपर है हमारा, इससे पूछिए, इससे मैं ठेला अपने पैसे से अपने पॉकेट से लगाकर ठेला बनवाकर मैं कूड़ा उठवाता हूँ। हमारे सुपरवाइजर इश्तियाक हैं, बरकतुल्ला जी हैं, वो लोग जो है पैसा लगाकर अपना ठेला बनवाते हैं, वेल्डिंग कराते हैं, चक्का लगवाते हैं, तब ये कूड़ा काम होता है, नहीं तो कूड़ा जो है सुपर अपने कपार पर नहीं ना लाएंगे। एक दिन एक घंटा नहीं उठेगा तो ये बस्ती में नहीं चलेगा काम। और राजनीतिक दल का तो बहुत पहलू है, बहुत कुछ कहने वाले लोग हैं, कहते रहेंगे, आधी बहती रहेगी, तूफान चलता रहेगा। तो चलते हैं अब दूसरे खबरों की तरफ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।